पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेजबानी पर अड़ा हुआ है और बीसीसीआई टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजने के अपने रुख पर कायम है। ऐसे में शाहिद अफरीदी ने बड़ा दावा किया है। अफरीदी ने कहा, कुछ समय पहले मुंबई के एक भारतीय नागरिक ने पाकिस्तानी टीम को धमकी दी थी कि उन्हें भारत में नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन हमने सब कुछ एक तरफ रख दिया और हमारी सरकार ने इसे एक जिम्मेदारी के रूप में लिया और पाकिस्तान की टीम भारत गई। इसलिए धमकियों से हमारे रिश्ते बर्बाद नहीं होने चाहिए क्योंकि वे बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह वास्तव में अच्छा होता अगर भारत पाकिस्तान आता। पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, यह जंग और लड़ाई की पीढ़ी नहीं है, हम चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों।